टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार एवरीवन, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं फैजान शेख। सबसे पहले आप सबको बहुत मुबारकबाद, क्योंकि कोविड 19 थोड़ा सा हमारे यहाँ बेहतर हो चुका है। अब स्मार्ट लॉकडाउन नहीं रहा है, लोगों को इजाजत है कि वो बाहर जा सके, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल शहरी आपको चाहिए कि आप अभी भी वो SOPs फॉलो करें जो आपको कहे गए हैं, ताकि ये अगर इसकी सेकेंड वेव आए तो हम उससे बच सकें। आप देख रहे हैं द मजेदार शो, तो बात होती है मजे की, और जब मजे की बात होती है तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की। वो सारी तालियां जो आप लोग घर में बैठ के बजाएंगे, हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और दुनिया में हम नाम कमा रहे हैं यार, माशाल्लाह से हम लोग के इम्यूनिटी इतने बेहतर है। जिस मिट्टी में खेलने को और कीचड़ खाने को हम लोग बुरा कहते थे, आज हमारे काम आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए आदि, आपने नोट किया होगा कि हमारी इंडस्ट्री में हर 10 साल में एक नई पीढ़ी आती है, एक नई पौध आती है, हर तरह के लोग आते हैं, कुछ एक्टर्स आते हैं, कुछ एक्ट्रेसेस आती हैं, कुछ टेक्नीशियंस आते हैं, लेकिन फिर इन अबाउट 2-3 ईयर्स लोग फिल्टर होना शुरू जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, कुछ लोग रह जाते हैं जो यकीनन बहुत अच्छा काम करते हैं, वो रह जाते हैं, बाकी कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ते फेड आउट हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल से हर जगह का रूल है। बिल्कुल। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका बड़ा मजे का एक पूरी जर्नी है। अच्छा अच्छा, मतलब वो ट्रेन व्रेन चलाते हैं बस? नहीं, जर्नी इन अ सेंस के इंसान की जिंदगी में सफर होता है, उसको जर्नी कहते हैं। जिंदगी के सफर। हाँ, तो ये जो जर्नी है बड़ी मजेदार, के 2007 में काम शुरू किया, फिर 2016 में पाकिस्तान आए, आज हम इस पे बात करेंगे उनसे। ठीक है ना, एक अच्छी बात ये कि वो अभी उनका एक जबरदस्त ड्रामा TV1 पे चल रहा है जिसका नाम है रॉकस्टार। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू क्यों? तुम नाम लिया ना मेरा, अच्छा लगा मुझे। नहीं नहीं, उस ड्रामे का नाम रॉकस्टार है। ओ अच्छा। और ना सिर्फ नाम रॉकस्टार है बल्कि वो लगते भी रॉकस्टार हैं। उनका जो एटीट्यूड है, एक ऑरा होता है ना आदमी का, ऑरा समझते हैं आप? यार बस फैजान, आप ऑरा समझते हैं? हाँ हाँ, ऑरा होता है ना कि आते हुए सब्जी ले आना और फ्रूट ले आना। नहीं, ऑरा इंसान की एक वाइब होती है, उसको ऑरा कहते हैं। तो इनका जो ऑरा है ना वो एक रॉकस्टार जैसा ही है। ठीक है फैजान, अब देखो तुम क्यों शर्मा रहे हो? तुमने मुझे आज एज ए गेस्ट बुला लिया है तो मुझे अजीब सा लग रहा है। थैंक यू सो मच यार। एक सेकंड, हटाओ, मजाक नहीं हो रहा। तुम रॉकस्टार कहां से हो भाई? यार आप मेरे कपड़े देखें यार, कपड़े तो कोई मैं आपको अभी अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाऊंगा। नहीं 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 नहीं, लेकिन आप रॉकस्टार कैसे? यार मैं रॉकस्टार हूं यार, मैं माशाल्लाह जहां से भी गुजरता हूं, कोई गली मोहल्ला शहर, बच्चा बच्चा मुझे पत्थर मारता है यार। आई एम अ रॉकस्टार ब्रो। दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल अ रॉकस्टार। रॉकस्टार होता है कि जो जहां जाता है लोग रुक जाते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने जाते हैं, ये जहां जाते हैं लोग पागल हो जाते हैं, लड़कियां खास तौर पर, बिकॉज वो इतने जबरदस्त दिखते हैं, वो एक रॉकस्टार हैं। जब वो जहां जाते हैं लोग उनको पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा आज असली रॉकस्टार से, ताकि आपकी आंखें खुलें, आपको पता चले असल रॉकस्टार क्या होता है। ठीक है ना, वो बहुत सारी तालियों में हमें ज्वाइन करेंगे, वो तालियां जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे। यासिर शाह सर, कैसे सर? कैसे सर, बैठिए। वेलकम टू द मजेदार शो यासिर भाई। मेरे दोस्त की बातों को बुरा मत मानिएगा, इनको लगता है ये भी रॉकस्टार हैं। नहीं नहीं, बहुत मजे की बातें कर रहे थे। कैसे हैं आप यासिर? ठीक ठाक हैं? बहुत। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी, आपने इंडिया से काम शुरू किया और यहाँ आए। क्या पहले तो मुझे बताएं कि क्या कुछ किया, कहाँ से सफर शुरू हुआ, थोड़ा सा पहले इस बारे में बताइए। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को कि 2007 में इंडिया में स्टार्ट किया, 2016 में, और एक इंडिया की एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, शायद आप जानते हो, जितेंद्र जो हमारे उनकी बेटी है एकता कपूर, बिल्कुल उनके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और अब यह है कि पाकिस्तान में काफ़ी आप जैसे लोगों को देखते हैं और इम्प्रेस होते हैं। अरे यार यासिर भाई, मेरा ये सवाल है कि आप सबसे पहले ये बताएं कि आपको पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी इतने सारे लोग आपको जानते हैं, तो ये जो नाम है यासिर शाह, ये कैसे पड़ा? यासिर शाह? हाँ, तुम सबसे ये वाला सवाल क्यों करते हो भाई? हर किसी का नाम बड़ा होता है ना किसी वजह से, तो यासिर शाह कैसे नाम पड़ा? ये तो बहुत पहले पड़ गया था। कैसे? हाँ, ये किसी तो ने रखा होगा, यकीनन किसी ने रखा होगा। किसने रखा नाम? ये तो फैमिली में, फैमिली मेंबर। हाँ, ठीक। तुम्हारा नाम आदि किसने रखा? पता नहीं, बस इसका ये जवाब होता है। कभी मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता था ना। हाँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। अच्छा, तो यासिर मुझे पता है, जर्नी आपकी इतनी लंबी माशाल्लाह है,
जाहिर सी बात है डिफरेंस होगा काम करने का दोनों जगहों पे। हाँ। क्या फील होता है वहाँ पे, आपने इतना सारा टाइम दिया, उसके बाद आप पाकिस्तान आ गए, 10 साल आपने तकरीबन वहाँ काम किया, जी जी, क्या फ़र्क है? देखिए इंडस्ट्री नो डाउट वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, एस्टैब्लिश्ड है, एस्टैब्लिश्ड है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा फंड चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं चीज़ों को लेके। लेकिन अब जो मैं पाकिस्तान में जिस तरह का स्टैंडर्ड अब देख रहा हूँ, जिस तरह से काम अब आप लोग कर रहे हैं और जिस तरह के सारी लोग काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छी उम्मीद है कि अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है, काफ़ी कुछ बदलने वाला है जी, काफ़ी कुछ बदलने वाला है। और हमें अभी ये सोचना चाहिए कि अब तो खैर वो पुरानी जर्नी होगी, वहाँ से जो एक्सपीरियंस सीखा है और वो सब कुछ हो चुका है, अब ये कि यहाँ को कितना बेटर कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये ड्रामा भी है, वो यहाँ पे प्रोडक्शन है, इसके बाद काफी सारे टीवी वन के साथ हम काफी सारी चीजें कर रहे हैं और जबरदस्त चीजें हैं। अच्छा मुझे बताएं रॉकस्टार की जर्नी, ये रॉकस्टार कैसे सोचा, मुझे पहले ये बताएं कि इतना फिट रहने के लिए, जो कि आप, मैंने कहा कि आप एक लगते भी एक रॉकस्टार हैं, क्या कितनी मेहनत करते हैं? आई एम श्योर यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन वो कैसे होता है, कैसे मैनेज करते हैं? हाँ काफ़ी मेहनत, बस ये कि थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है, जैसे थोड़ा तो नहीं, ये तो बहुत सारा डिसिप्लिन है यार, इट्स टू मच। हाँ डिसिप्लिन थोड़ा सा है, खाना और डाइट और एक्सरसाइज और सारी चीज़ों में, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि SOPs का ख्याल रखना चाहिए, कम बिल्कुल फिलहाल जो है सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन इसी बात पर रख लें। मुझे बताएं शूट पर आप जाते हैं, आपने देखा SOPs फॉलो होते हैं, किस तरह से होता है? फैजान आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी सवाल किया, और मुझे आपको ये बताना बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ टाइम पहले हम एक जगह पे शूट कर रहे थे और वहाँ पे मैंने देखा कि ये जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, जो कि अभी बड़ी ज़रूरी कैंपेन है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बेशक कोरोना से बाहर आ रहे हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं, वैक्सीन तैयार हो रही है, लोग ऐसा कहते हैं इंशाल्लाह ये वैक्सीन आ जाए, और लेकिन पोलियो की वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद है, और वहाँ पर मैंने देखा कि पोलियो वर्कर मास्क पहने हुए, ग्लव्स हाथ में, और बच्चों को मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ वो ड्रॉप्स उनको दे रहे थे, और जो कि देखिए बहुत अच्छा लगा कि चले हमारे पाकिस्तान मुल्क में, जो हमारा मुल्क है, और उसमें इतना कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस वैक्सीन को फैलाने में, लोगों तक पहुँचाने में, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, और बाकी सब लोगों को जो हमारे सब देखने वाले हैं उनको सब देखना चाहिए कि पोलियो वैक्सीन अपने अपने बच्चों को पिलाएं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो पूछे कुछ आप? मेरा तो बस वही बेसिक सवाल है कि बेसिक सा सवाल, मैं मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं। आसिफ भाई ये बताएं कि जब आप पैदा हुए थे तब तो आपकी इतनी बॉडी नहीं थी ना? नहीं थी, ऐसी बात है, वहाँ कुछ लोगों की होती है, कुछ लोग पैदा ही बड़े होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी, तो ये बॉडी आपने कब बनाई पहली बार तो मैंने कोई अपने स्कूल में ही स्टार्ट, हम लोग स्कूल में शुरू हो गया था, स्कूल में शुरू हो गया, स्कूल कॉलेज मतलब जो स्कूल के टाइम, मतलब तो ये रुझान कहाँ से आया, किसने इंस्पायर किया, क्या सोचा कि यार मैं बॉडी बनाता हूँ एक दिन? ये कैसा सवाल है मेरा, क्यों सामने बैठा? अब वो उस्ताद का नाम ऐसे बोलेंगे कि उस्ताद बैठे उस्ताद, आपने इंस्पायर किया इनको? जी हाँ, बॉडी बनाने के लिए। एक्सक्यूज मी, तो आप इंस्पायर करके खुद सोने चले गए? एक्चुअली जब इन्होंने स्टार्ट किया उस तक मैं छोड़ चुका हुआ था, क्या मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया था। अच्छा, तो बॉडी बिल्डिंग मैंने छोड़ी है, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा जैसे अब आप पूछ लें, खुद मेरा नाम नहीं लेंगे, आप पूछ लें, खुद पूछ लें जी। काफ़ी हद तक तो बात सच लग रही है मुझे, वैसे आदि यार नहीं, आपकी आंखों में साफ झूठ नजर आ रहा है, मुझे बताएं कि किसने इंस्पायर किया आपको ये करने के लिए? बस हेल्थ कॉन्शियस कैसे हुए, सारी ज़िंदगी ये हम देखते रहे हैं, फिल्म एक्टर्स स्पोर्ट्समैन सबको देख के ऐसा लगता था कि शायद कभी मैं स्पोर्ट्स में भी जाना चाहता था, मुझे मार्शल आर्ट बहुत पसंद थी। अरे ज़बरदस्त, तो मैंने काफ़ी टाइम ये इसमें टाइम गुजारा है और मार्शल आर्ट करते हुए, तो अभी हम फिल्म, अभी मैंने अभी रिसेंटली फिल्म भी की और अभी मैं कुछ वेब सीरीज़ वगैरह भी कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरत होती है कि एक फिज़िकली फिट एक्टर की, तो जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो हमें पता चला कि इसमें ज़रूरत है इस बात की, लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग आप जैसे भी कामयाब मतलब होते हैं। या आपको लग रहा है सिर्फ इनको बताओ कितनी बड़ी पर्ची से आए हो, अगर उनको लग रहा है कि तुम कामयाब हो तो मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसा लगता है। मुझे लगता है इनको कामयाब का मतलब बताओ फिर, अगर इनको मैं कामयाब नहीं, उनको पता है तुम भी अपनी जगह कामयाब हो, इतना उदास ना हो, कोई बात नहीं। अच्छा तो मुझे बताएं कि ये आपने मुझे बताया कि किसी चीज़ ने इंस्पायर किया, ये बताएं एक्टर बनने का कब सोचा कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, कुछ और क्यों नहीं सोचा, और अगर क्या ऐसा है कि पहले कुछ और बनना चाहते थे फिर सोचा कि नहीं मैं एक्टिंग करता हूँ, ये कहाँ से फिर हुआ? मैं पहले माँ बनना चाहता था, फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आया कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप पहले क्या बनना चाहते थे? ये तुम्हें कब समझ आया? ये मैं जब 8 साल। अच्छा छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ। जी मुझे बताएं एक्टर बनने का शौक कहाँ से हुआ? एक्टर बनने का शौक देखें, ये पहले मैंने स्टार्ट जो करियर किया था वो मॉडल से किया था, और मैं इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा मुझे इसमें कामयाबी मिलनी शुरू हुई पाकिस्तान में, तो उसके बाद मुझे ये एक्टिंग ऑफर आई थी, मुझे कभी एक्टिंग के बारे में कुछ जानता नहीं था मैं, ठीक है ऑनेस्टली, तो जब मुझे बड़ी बात है कि इन्होंने मानी ये बात कि
मैं उस वक्त एक्टिंग के बारे में लोग कहते हैं मुझे तो पहले शुरू से आती थी, आंखों में से निकलता था। ये अच्छा लगा कि आपने माना। आदमी ऐसे ही ग्रो करता है, सच्चाई करना चाहता है, फिर सीखता है, फिर करता है, उसमें क्या बुरी बात है। यस हां, ऐसे ही था कि मेरा एक्टिंग से जब मैंने उनसे मिला था, जब एकता कपूर और उन लोगों से सब सब पूरी उनकी टीम से सब, मैंने उनको बताया कि मैंने कभी एक्टिंग की नहीं और बड़ा मुश्किल काम है जो आप लोग इस तरह से, आप तो खैर ऑन प्रॉम्प्ट और होस्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहुत साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपको ट्रेन करेंगे। आई वॉज लकी इनफ कि उन्होंने मुझे सेट पर ट्रेन करते थे। ओह नाइस। और मुझे उन्हीं के साथ उन्हीं विला में मैं रह रहा था, तो साथ ही साथ ट्रेनिंग ऑन साइट ट्रेनिंग चलती रही। फिर अब तो बहुत सारे काम होते गए, लेकिन देन आई रियलाइज कि ये बहुत सीखने वाला काम है और बहुत मुश्किल काम है और मुसलसल सीखते रहने वाला काम है। आपकी जर्नी में मुसलसल सीखते रहते हैं। डेफिनेटली आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी मुझे सब आ गया। हाँ नहीं नहीं, उसके बाद तो अब डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। अच्छी बात है कि उन्होंने ट्रेनिंग दी, आपने ट्रेनिंग की, वरना यहाँ तो किसी एक्टर को कभी बार बोलो कि भाई जरा इस तरह बोले तो वो कहते हैं मुझे बता रहे हो मैं दो ड्रामे करके आया हूँ। अच्छी बात है। आपने पता नहीं क्यों इतनी जली कूड़ी बातें क्यों करते रहते हो। मैं सच्चाई की बातें करता हूँ। अच्छा तुम सच्चे हो। मैं बहुत सच्चा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताया, यहाँ से बहुत सारे दोस्त होंगे, यकीनन हर कोई अपनी अपनी प्रोफेशन में होगा, कभी किसी दोस्त ने बोला कि यार आप तो एक्टर हो, आप तो बड़े आदमी हो, ये होता है ना हमारे बंदा जैसे मशहूर हो जाता है कहते हैं, और आप बाकी बिजी हो, लोग कहते हैं यार तुम्हारे पास टाइम नहीं है मिलने का। हाँ। ऐसा हो गया, कभी हुआ ऐसा कोई तंग करता है? ऐसे काफी लोग करते हैं और तो हम कहते हैं हाँ हो गए बड़े। अच्छा आप कहते थे हो गए बिजी, कोई बात नहीं बिजी हैं। आज ही हमारे पास एक इंतहाई सच बोलने वाले गेस्ट मौजूद हैं, मजेदार बातें कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला पहले ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आप देख रहे हैं दम मजेदार शो। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मजेदार शो। ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं और फैजान जी क्या हम करने वाले हैं? यासिर हम आपके साथ खेलने लगे हैं दिस और दैट। लेकिन उससे पहले हमारे शो का एक उसूल है कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक नए आर्टिस्ट को, कोई आदमी ऐसा जो कि अपना एक टैलेंट शोकेस करना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है। आज हमारे पास जो मौजूद है उनका नाम है बिलाल शाह। बिलाल का जो टैलेंट है वो है डांस। डांस डांस डांसते हैं ये इतना अच्छा डांसते हैं क्या हैरान हो। अच्छा अच्छा हाँ, तो बिलाल मुझे बताएं डांस कहाँ से शुरू किया, उसके अलावा क्या करते हैं आप? बेसिकली आई एम ह्यूज फैन ऑफ माइकल जैक्सन। अरे वाह। तो शुरू से मैंने उन्हीं की वीडियोस को फॉलो किया है। और कितने अरसे से कर रहे हैं डांस आप बिलाल? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से डांस कर रहे हैं? जी जी। वाह। तो काम वाम नहीं कर रहे? नहीं, काम भी करते हैं। अच्छा काम भी करते हैं। काम क्या करते हैं? इसके अलावा मैं एडिटर हूँ। तो ये मैनेज कैसे करते हैं कि एडिटिंग भी करनी है, डांस भी करना है, कितनी रिहर्सल करते हैं इसके लिए? रिहर्सल तो उतनी करता नहीं हूँ मैं, जब टाइम मिलता तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि जब माइकल जैक्सन की वीडियो देखी थी तब पता चला था कि डांस आता है या उससे पहले ही पता था कि डांस आता है? नहीं, उसके देखने के बाद फिर मैं इंस्पायर हुआ। फिर आपके हाथ पैर हिले? जी जी। खुद घुंघरू पहने? जी जी घुंघरू पहने। डांस में चाहिए होते हैं ना बीट के लिए? बेटा वो जो आप देखते हैं वो अलग होते हैं, जो वो कर रहे हैं वो कुछ और है। माइकल जैक्सन की बात कर रहे हैं। अच्छा ये वाला अलग होता है डांस? जी नहीं नहीं। तो अच्छा मुझे बताएं कि आप माइकल जैक्सन का ही डांस करते हैं या उससे इंस्पिरेशन लेके अपना कुछ बना लेते हैं? उनसे मैं इंस्पिरेशन लेके फिर अपना कुछ अपने पास से स्टेप वगैरह बना लेता हूँ। वेरी गुड। ठीक है जी, तो बिलाल ने हमें ज्वाइन किया और बिलाल एक जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम खेलेंगे दिस और दैट। बिलाल हम आपको क्यू देंगे उसके बाद आप डांस कीजिएगा, लेकिन अभी हम जरा यासिर को थोड़ा तंग कर लें। हम खेल लें जी दिस और दैट। मजेदार मजेदार। इसमें भाई आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपने तेज से जवाब देने, ऑप्शंस दो मिलेंगे आपने चूज कर लेने, उसके साथ साथ ये रूबिक्स क्यूब आपने सॉल्व करना है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सॉल्व नहीं हो पाए। और ये ऐसे नहीं है, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको मैं 2 लाख रुपए अपनी जेब से कैश दूंगा। अच्छा जी जी बेटा, क्या बोलो, कभी कभी लोग कर भी लेते हैं भाईजान, वो खराब है, कभी भी नहीं सॉल्व होगा। अच्छा पता है। ठीक है जी, या फिर आपके साथ दिस और दैट शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, बैड बॉय कैरेक्टर्स या गुड बॉय कैरेक्टर्स? बैड बॉय कैरेक्टर्स। बैड बॉय। अच्छा, वर्किंग इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान? Working in Pakistan. Abs or no abs? Abs. Abs always. Rockstar या superstar? Rockstar. Rockstar. अच्छा, जो मिल जाए वो खा लेते हैं या फिर picky हैं खाने के मामले? Picky. वो आपको देख के लगता है। Modeling या acting? Acting. Set पर जल्दी आना या set पर late आना? जल्दी आना। Bachelorhood या married life? अभी bachelorhood है, लेकिन अभी bachelorhood जब तक चल रही है ठीक है, उसके बाद ठीक है। Formal कपड़े या casual कपड़े? Casual. दुबई या कराची? हाँ कराची में रहते हैं लेकिन दुबई। कराची में रहते हैं लेकिन दुबई। अब आपका मामला खराब हो गया। कराची का समंदर, दुबई का समंदर? या अपना मुल्क है दुबई का समंदर? अच्छा दुबई का समंदर। दुबई का समंदर। कराची के समंदर पे लड़कियां या दुबई के समंदर पे लड़कियां? जी नहीं पूछ रहे हो कहाँ ज्यादा होती हैं? नहीं नहीं, सही क्या लगता है आपको देखने में? सही क्या लगता है?
कराची की समंदर की लड़कियां समंदर पे खड़े होकर गोल गप्पे खाना या समंदर पे खड़े होकर ओ या तो बहुत मिट्टी आ रही है अंदर गाड़ी में बैठे हैं तुम समंदर पे क्यों चले गए मुझे आज अच्छा लग रहा है सी साइड से शुरू किया तो आप गोल गप्पे खाना पसंद करेंगे या गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे गोल गप्पे खाना पसंद वेरी गुड झूला झूलना या झूला झुलाना झूलना झूलना मतलब आप जाते बैठे और पीछे से कोई धक्का मारे अच्छा जी कैमरे के पीछे या कैमरे के आगे कैमरे के दोनों तरफ लेकिन नहीं ज्यादा क्या पसंद है कैमरे के सामने कैमरे के पीछे 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 डांसिंग या सिंगिंग दोनों नहीं दोनों नहीं डांसिंग फिर भी चल जाएगा लेकिन सिंगिंग से तो कोई अच्छा दो डांसिंग भाई बिलाल तैयार है आप देखें नहीं, आपके, नहीं, नहीं, पास, नहीं। आपके सामने तीन अच्छे डांसर्स खड़े हैं आपको उनको इंप्रेस करना पड़ेगा ये बताइए दोस्त की मेहंदी पे खुद से नाचना या पहले करना नहीं नहीं मुझे तो आता ही नहीं है नहीं नहीं ये करना हाँ कुछ ना देना पहले ये था कि नहीं 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 हाँ। लेकिन अब ये लगता है कि थोड़ा टाइम होता है कर आप खुद कर लेते हैं ट्रूथ या डेयर ट्रूथ ट्रूथ लव मैरिज अरेंज मैरिज लव मैरिज एक बारी में एक गर्लफ्रेंड रखना या सबको यही बताना कि तुम एक ही गर्लफ्रेंड हो एक ही गर्लफ्रेंड रखना एक ही गर्लफ्रेंड रखना शर्माते हुए बोला उन्होंने बारिश या नो बारिश 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 में गीला होना या बारिश में सूखा होकर दूसरे को गीला देखना ये तो आज पानी की चले वो सारी बातें पानी की मौसम ऐसा ना भाई क्लॉड ही हो रहा है क्लॉडी बताइए बारिश में गीला ना होना दूसरों को देखना ठीक है हाँ लव और फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप बिरयानी या पुलाव ये हमारे कुछ फिक्स सवाल है मैं पूछ रहा हूँ बिरयानी या पुलाव पुलाव बिरयानी में आलू या विदाउट आलू बिरयानी में आलू निहारी या पाए निहारी अच्छा आपको देख के लगता है कि आप निहारी या बिरयानी खाते होंगे लगता ही नहीं है जी कभी भी नहीं खाई 10-12 साल हो गए ये बताइए चिकन या बीफ चिकन ये बताइए चिकन या फिश फिश ये बताइए फिश या प्रॉन फिश 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 बैठ के में ठीक है जी अच्छा हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी हीरो या विलन 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 क्यों मैं खास तौर पर पूछना चाहूंगा भाई विलन विलन हीरो बहुत कर लिया तो थोड़ा विलन भी करना चाहता हूं ठीक है मुझे लगता है विलन में मार्जिन ज्यादा होता है मार्जिन ज्यादा है ना मार्जिन आपको और मुझे लगता है हीरो बहुत बोरिंग होता है बिकॉज़ वो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होता है यार क्या होने वाला है सुरखुर हो ही जाएगा तो इट्स गुड टू प्ले विलन वेरी नाइस फिल्म या टीवी प्ले फिल्म यासिर शाह और अनजान अली अजान अली अभी रॉकस्टार कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसमें अजान अली है लेकिन वैसे अच्छा अपने कैरेक्टर से कितना आपको लगाव जाता है होता है कभी कि कोई कैरेक्टर खत्म हो चुका हो नहीं बट यू स्टिल स्टक इन दैट आप तो बड़े कमाल एक्टर हैं थिएटर करते रहे तो मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर आप एक छाप छोड़ जाता है आपकी आपकी जो नहीं आपकी पर्सनालिटी पे हम जो थोड़ा थोड़ा बने हुए होते हैं अपने कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ज़्यादा तो ये बताइए कि शादी में जाके सेग्रीगेटेड शादी में जाना अच्छा लगता है या जिसमें सब मिक्स हुए हुए होते हैं भाई सब मिक्स हुए बेहतर है मिक्स हुए में शर्मा रो सवाल उनसे हो रहा है इमेजिन किया अच्छा लगता है पूछो 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 मुझे मैं तैयार होकर गया था शादी पे फायदा नहीं लगता मैं गया तो उन्होंने कहा आप उल्टे हाथ पे चले हैं अब तो मैंने कहा वॉशरूम नहीं आ रहा बोला नहीं नहीं आप उल्टे हाथ पे चले जब गया तो वहाँ सारे फिर अपने जैसे ही थे तैयारी क्यों है ये बताइए कि चावल हाथ से खाते हैं या छुरी चम्मच से छुरी चम्मच से कपड़े ईस्टर्न पसंद है या वेस्टर्न ज्यादा पसंद वेस्टर्न हाँ ईस्टर्न बहुत कम वेस्टर्न ज्यादा है दही बड़े या गोलगप्पे गोलगप्पे ड्रेस पैंट्स या जीन्स 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 में बड़ी आसानी है यार आसानी है कंफर्टेबल है पहनते हैं पहले अब तो ठीक है ये बताइए लड़कियाँ जिनके लंबे बाल होते हैं लड़कियाँ या जिनके छोटे बाल होते हैं लंबे बाल होते हैं लेंसेज या ओरिजिनल आंखें ओरिजिनल आंखें फूले में होंठ या वे होंठ फूले में होंठ आजकल ये जो चल रहा है ना सही नहीं है नोकीली आंख या थोड़ी सी नोकीली आंख नोकीली नाक या थोड़ी सी गोल नाक ठीक है नो दोनों सही है नोकीली का फायदा भी होता है गोल कप्पा लिया तो यूं करे तोड़ लिया ट्रैवलिंग बाय रोड पसंद है आपको या बाय एयर बाय एयर भाई यार आसानी होती है आसानी होती है बॉडी बिल्डिंग करके बॉडी बनाना या वो दवाइयां इंजेक्शन लगवा के बॉडी बनाना बॉडी बिल्डिंग करके बॉडी मेहनत करके मतलब मेहनत करके मेहनत जिम में टाइम लगाएंगे तो जाके बॉडी बनेगी यार हाँ हाँ टाइम तो आप कहीं भी लगाएं बॉडी बन जाती है आपकी यार आप बैठ टाइम लगाएं पोछा मारें आपकी पोछे की बॉडी बन जाएगी हाँ जिम की बात हो रही थी यहाँ पे अच्छा जिम की बात जी पूछिए अच्छा ये बताइए कि अपनी स्क्रिप्ट याद कर लेना या फिर डायरेक्टर को बोलना एक एक लाइन बताओ मैं लाइन बोलता जाऊँ नफरत है मुझे इस बात से स्क्रिप्ट पूरी याद होनी चाहिए लाइंस याद होनी चाहिए दूसरे की भी याद होनी चाहिए हाँ अच्छी बात है ना क्यों याद होता है क्यों याद नहीं होगा मुझे पता है कितना मुश्किल होता है अगर कोई एक्टर ऐसा सामने आ जाए जिसको अपनी लाइंस याद ना हो या उसको स्ट्रगल करनी पड़ रही हो तो इरिटेट हो जाते हैं या हेल्प करते हैं अगर नहीं नहीं हेल्प तो बिल्कुल करते हैं करनी भी चाहिए सबको करनी चाहिए और एक्टर का काम ही है लेकिन ये
ऐसा बहुत होता है कि होता है सामने, लेकिन बड़ा बुरा लग रहा होता है कि अगर कोई ऐसा एक्टर है ना जो याद नहीं कर रहा और इसको यार हाँ पढ़ लिए कर लेंगे यार देख लेंगे हो गया नेक्स्ट स्क्रिप्ट लाओ। ओ भाई 15 साल से इंडस्ट्री में हूं यार, मैं क्या लाइनें याद करूंगा। ये बताइए कि कुत्ता या बिल्ली? कुत्ता। ये बताइए कुत्ता या कुत्ते का बच्चा? दोनों, कुत्ते वैसे कुत्ते का बच्चा ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है, ये बताइए बिल्ली या मछली? बिल्ली या मछली, ये कैसे कॉम्बो है? बिल्ली पालेंगे या मछली पालेंगे? हाँ मछली है, नहीं बिल्ली पालेंगे। हाँ वैसे पेट्स रखते हैं आप, पसंद है आपको पेट्स? नहीं रखता नहीं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब टाइम देना पड़ता है, देना पड़ता है, इसलिए नहीं रखते। आजकल तो लोग शेर पाल रहे हैं जिन्होंने शेर का ये ट्रेंड शुरू किया था, वो तो खुद बाहर चले गए। अच्छा हाँ पता नहीं क्यों। चलो चल। अच्छा ये बताइए कि फुल स्लीव या हाफ स्लीव? फुल स्लीव। तैयार होके घूमना या घर की शॉर्ट्स में घूमना? घर की शॉर्ट्स में घूमना हर वक्त। यार इन्होंने बहुत तेजी से बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, इसलिए जी ये था हमारा दिस और दैट। वक्त हुआ हमारे एक और ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, अगला गेम खेलेंगे। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। कैसे कर लेते हैं आप? प्रैक्टिस करता हूं। प्रैक्टिस करते हैं आप, जबरदस्त। बिलाल ये बताइए जो गाना था बिल्लो हाय जी, ये तो माइकल जैक्सन ने कभी नहीं गाया? नहीं नहीं यार, ये इसमें इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया ना, उसके साथ मैच किया, मिक्स किया। अच्छा ये पाकिस्तानी गाना था उसमें जी, ये फिल्म पर्ची का गाना है। जी जी, तो मुझे बताइए जो आपके पैरों के नीचे वो तेल वेल लगा हुआ है जिसकी वजह से टांगे इतनी हुई हूँ फिसल लेती, ये क्या होता है? वही वो बता रहे हैं कि प्रैक्टिस है। वो पैरों के नीचे कुछ लगा हुआ नहीं आपके? दिखाएं जूता, दिखाएं। ये देखिए यार, आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं, उसके बाद भी ऐसे ही करना है आपको। बेगम कहेगी ये जरा खाना करके साफ कर लीजिए, पैर हिलाता हूं। बिलाल थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन कर दिया, अच्छी परफॉर्मेंस दी। उम्मीद करता हूं कि यहां पे परफॉर्म करने के बाद कहीं ना कहीं आपको यकीनन इसके बाद कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। यासिर मुझे बताएं, डांस आप भी यकीनन डांस करने का इत्तेफाक वो करते हैं, डांस कोई प्रैक्टिस कोई रिहर्सल क्या होता है? नहीं जरूरी है, हमारी जिस तरह के मीडियम में हम लोग काम कर रहे हैं यहां पे, तो मैं आनी चाहिए और करनी भी पड़ती है, फिल्म्स वगैरह हर जगह। आजकल घोड़ा दौड़ाने का बड़ा शौक हुआ है लोगों को, तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ऐसा कुछ? मैंने यहाँ तो नहीं, लेकिन बाहर एक शो किया है माइथोलॉजिकल जिसको बोलते हैं, घोड़ा काफी मैंने इस पे काम किया। अच्छा किया यार, ये देखो ना घोड़ा चलाना मुश्किल काम है वैसे, है ना? तुमसे तो गाड़ी नहीं चलती, घोड़ा तो जाहिर सी बात है। मैं एक बार घोड़े को बैठा था, तुम्हें चलाऊंगा, हाथ खड़े कर लिए, खुदा को माना। मैं घोड़े बैठा, मैंने कहा इसकी हाइट कम है, मेरे पैर जमीन पे लग रहे हैं। वो नीचे करके देखा तो मिट्टी के अंदर चले गए थे उसके पैर, जिस्म बाहर था।
अच्छा जी, अब जो हम गेम खेल रहे हैं, क्लिफ्टन, अब जो हम गेम खेल रहे हैं उसका नाम है 5 सेकंड रूल। मजेदार। उसमें होगा ये कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आपके पास 5 सेकंड होगा उसका जवाब देने के लिए। जैसे ही आप जवाब देंगे और आपने इसको फौरन बजर दबा के दिखाइए, ये देखिए 30 रुपए का लिया था सर, और तीसरा शो है माशाल्लाह अभी तक चल रहा है, ये ऐसी बात नहीं है, एक और शो और चल जाएगा इंशाल्लाह, पूरी हमारी कोशिश है। चले जी, तैयार हैं आप? हाँ। मुझे बताइए, 3 पाकिस्तानी एक्टर्स ऐसे जो कि सिर्फ विलन का किरदार अदा करते हैं। मुस्तफा कुरैशी, शमून अब्बासी और शफकत चीमा। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें जो हर वक्त आपके पास होती हैं। मोबाइल, घड़ी, वॉलेट। घड़ी हर वक्त होती है घड़ी आपके पास? हाँ, ऑलमोस्ट। 3 ऐसे वर्ड्स जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एनीवे, थैंक यू, आई एम सो सॉरी। ये इसमें आप तकरीबन पहुंच गए। चलें, 3 ऐसी चीजें जो आप बिस्तर पर लेटने से पहले करते हैं। काफी ऐसी चीजें नहीं बता सकते, मुझे ऐसा लग रहा है आप सोचते रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये अब आपके मुश्किल सवाल शुरू होंगे। 3 ऐसी चीजें जिनको देख के मजा आता है। 3 चीजें ऐसी जिसको मजा आता है, अच्छा काम, अच्छे लोग और सच्चाई। वाह जी वाह। 3 ऐसी चीजें जिनको देख के आपको दिल चाहता है इनको मैं घर ले जाऊं। अच्छा, किसको ले जाऊं? आपको, 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 आपको और आप सबको। 3 ऐसी चीजें जिनको देख के आपका दिल चाहता है इनको मैं छू लूं। 3 ऐसी चीजें जिनको देख के छू लूं। पेट्स, आप जिधर ले जा रहे हैं वो मैं नहीं, मैं हार गया भाई। अच्छी गाड़ी को देख के दिल चाहता है यार छू लूं। ठीक है, 3 ऐसी चीजें जो आपके घर में कभी भी नहीं मिल सकती। मेरी घड़ी घर में नहीं मिल सकती फिलहाल, तो मुझे लगता है पेट्स नहीं मिल सकते और अल्कोहल नहीं मिल सकती। वेरी गुड। और ठीक है, 3 फेवरेट होस्ट। आदि, फैजान, फैसल कुरैशी। अरे वाह वाह, जबरदस्त जी आदि। हाँ, 3 ऐसे बच्चे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है खानदान के। नाम बता दे बच्चों का। नाम बचा नहीं बताऊंगा, घर नहीं जा पाऊंगा। 3 ऐसी चीजें जो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते। रेजिस्ट नहीं कर पाते, अच्छा खाना और अच्छी कंपनी, अच्छा म्यूजिक। ऑलमोस्ट। चलें, 3 ऐसी चीजें जो आप कहें कि आप कर ही नहीं सकते। हाँ जी, गाना और गाना, गाना, गाना। गाना गाना कोई सीन नहीं है, बहुत बैड सीन है। अच्छा, बहुत ही बुरा सीन। ठीक है, लगता है फिर एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए अलग से। अच्छा, 3 ऐसी डिशेस जो कि चावल से बनती हों। बिरयानी, पुलाव और पता नहीं थाई कुछ करी, समथिंग थाई करी। 3 ऐसी चीजें जो कोयले में पकती हों। बारबेक्यू में कट मुझे चाय। हाँ, चाय भी बनती है जी। आदि पूछिए, 3 ऐसी चीजें जो म्यूजिक पे नाचती हों। फाउंटेन, मछलियाँ। अरे नाइस, फाउंटेन अच्छा था यार, फाउंटेन अच्छा। जी पूछे आदि, 3 ऐसी चीजें जिनको रोको तो नहीं रुकती। हमारी पब्लिक सिग्नल पे। वेरी नाइस। दूसरी, 3 फेवरेट को स्टार्स। 3 फेवरेट को स्टार्स, एक दूसरे मुल्क से हैं, सारा खान इंडिया की है, और पाकिस्तान से भी अलीज़ रसूल और महवेश हयात। 3 ऐसी एक्ट्रेसेस जिनसे आप कहें कि अगर मुझे शादी करनी पड़े तो मैं कर लूँगा। 3 बहुत सारी हैं, हानिया आमिर और जो आसिम की। हानिया आमिर, ये गया लाजमी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, 3 ऐसी एक्ट्रेसेस जिनको आप डायरेक्ट करना चाहें। हाँ, हानिया और सजल और सुबूर। 3 ऐसे एक्टर बताइए जिनके सामने आप खड़े हो गए, आपको हो गए ओ यार ये मेरे सामने खड़ा है। हाँ, शान पाकिस्तानी एक्टर और हमारे हुमायूं सईद भी हैं ऐसे। अच्छा जी, आपने अभी रिसेंटली रॉकस्टार में अलीज़े के साथ काम किया। जी जी, उनसे मुतालिक सवाल है, तैयार हो जाइए। ठीक है, अलीज़े की 3 बुरी हैबिट्स। अलीज़े की 3 बुरी हैबिट्स, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है, और तीसरा, और बता दें तीसरा, फिर भी बताइए तीसरा। अलीज़े की एक और बुरी हैबिट ये है कि सोच के अभी थोड़ा सा काम रहता है उसके साथ। अलीज़े वैसे बहुत अच्छी लड़की है, ये ठीक है। 3 ऐसी चीज़ें बताएं जो साबुन से साफ होती हैं। हाँ, 3 ऐसी चीज़ें, बहुत सभी चीज़ों से साबुन से साफ होता है, हाथ, मुँह, पैर, बर्तन। बर्तन, बर्तन भी होते हैं। हाँ। जी पूछे आदि, पूछे। 3 ऐसी चीजें जिनको जितना रगड़ते रहो वो साफ नहीं होती। हाँ, हमारा सिस्टम। अरे गुड जवाब यार, गुड जवाब, अच्छा जवाब। 3 ऐसी चीजें जो आप पहली देखते हैं किसी भी लड़की में। किसी लड़की में उसकी खूबसूरती ऑब्वियसली, उसके कपड़ों का सेंस और उसकी बातचीत। ये बताइए, 3 ऐसी चीजें जो आप एक अपने साथी के अंदर देखना चाहते हैं। सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, वो एक ही बात होती है, फ्रेंडली और खूबसूरती। आखिरी 3 फिल्में जो आपने देखी हों। आखिरी 3 फिल्में,
रात अकेली है, फास्ट एंड फ्यूरियस 8 आजकल ही देखी थी मैंने रात को, और उसके अलावा पता नहीं कौन सी देखी थी भाई। ये बताइए कभी भी जिंदगी में होने वाले अपने 3 बच्चों के नाम बताइए। आजान, कबीर, अरमान। आजान, कबीर और ये वो लिखा है, ये वो उन्होंने जवाब देने के बाद ये वो। मैं तो और भी देने वाला था। 3 ऐसे झूलों के नाम जो आप झूलना चाहते हो। अच्छा, बंजी जंपिंग अगर उसको झूला कहें तो, हाँ कर सकते हैं। साथ में स्काई डाइविंग वो करना चाहता हूँ। ठीक है, साथ में टाइम खत्म हो गया मेरा ख्याल है और मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, 3 ऐसी जगह जहाँ आप जाना चाहते हो। अच्छा, मैं आइलैंड बहुत पसंद करता हूँ, तो मॉरिशियस, बाली जा चुका हूँ और बहुत बार जाना चाहता हूँ, और ग्रीस जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के 3 खूबसूरत शहरों के नाम बताइए। पाकिस्तान के सारी शहर खूबसूरत हैं, जैसे इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान। वेरी गुड आदि, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ज्यादा थका दिया। मेरी बारी, आओ मुझे तंग करो। आप और मैं, हाँ हम दोनों इससे सवाल, अब आप लोग मुझसे सवाल करें इधर, और आप भी पूछ सकते हैं। आप यासिर भाई पहला सवाल, ये पूछ रहे हैं बड़े टफ क्वेश्चन। पहला सवाल आप, कोई भी सवाल। अच्छा, आपके फेवरेट होस्ट 3। फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफा और आमिर लियाकत। अरे वाह। 3 ऐसी सब्जियों के नाम बताइए जो हरे रंग की होती हैं। खीरा, नींबू और ककड़ी। अरे वाह। 3 ऐसी चीजों के नाम बताइए जिसमें खीरा डलता है। सलाद, रायता और गोश्त। वाह वाह वाह। पाकिस्तान की सबसे बुरी 3 फिल्में। पाकिस्तान की सबसे 3 बुरी फिल्में, बोल, पुरानी कोई फिल्म में नाम याद नहीं आ रहा। पाकिस्तान का सबसे बुरा डांसर बताइए। बुरा डांसर ना, 3 बुरे डांसर है ही नहीं। सारे बुरे, सारे बुरे। यार डांस करता कौन है, कौन करता है डांस? लड़के ने किया तो है पाकिस्तान के, तुमने मैसेज इंडस्ट्री के पूछा। अच्छा, तो अच्छा किया है ना, अच्छा किया, बुरे बोले तुमने। अच्छा, 3 ऐसी फिल्मों के नाम बताइए जो आपने कहा हो कि क्यों बन गई। चैन आए ना, बोल और एक अभी आने वाली है। ये आसिफ भाई। अच्छा अच्छा, मुझे फंसा रहे हैं आप, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछ रहे सवाल करके, जैसे मर्जी पूछ। अच्छा, वो कौन से एक्टर हैं जिनके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेंगे? मैं दोबारा काम नहीं करना चाहेंगे। बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। नहीं, ऐसा कोई है नहीं, मैं तो नाम ले देता हूँ अगर कोई हो तो। अच्छा, कोई ऐसे 3 एक्टर बताइए जिनके साथ आप हर बार काम करना चाहते हैं। फैसल कुरैशी, आदि और नवीद रजा। हाँ, नवीद रजा बहुत अच्छे। कोई ऐसी 3 हरकतें बताएं जो आप करके शर्मिंदा हुए हो। मैं अगर देर से सो के उठा हूँ, सेट पे लेट पहुंचा हूँ, या किसी से झूठ बोला हो। कोई ऐसी 3 चीजें जिसमें आपको गुस्सा आता हो। लेट आना, झूठ, बदतमीजी। कोई ऐसी 3 चीजें बताएं जो गीली हो जाती हैं। कपड़े, बाल और गाड़ी। जबरदस्त। जवाब में दिया, कंफ्यूज हो रहे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों इतना मुश्किल सवाल कर रहे हैं। हाँ, सबके जवाब दूंगा मैं। कोई ऐसे 3 ताने जो आप बहुत सुनते हो। ताने? हाँ। तुम तो एक्ट्रेस के बेटे हो, तुम पर्ची हो या तुम सोर्स से आए हो? परवीन आपा के बेटे। हाँ जी। कोई ऐसी 3 चीजें जो आप कभी जिंदगी में नहीं करना चाहेंगे। स्मोकिंग, धोखेबाजी और लेट आना। यार मैं कहता हूँ भाई, थैंक यू भाई, माशाल्लाह बहुत बुरा किया आपने। यासिर भाई ने अच्छा किया जी, मुझे पता है, बिल्कुल यासिर भाई ने अच्छा किया। वक्त हुआ जी छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद हैं यासिर, जिनको हमने काफी तंग किया है। यासिर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, आपने हमारे साथ बहुत सारा कोऑपरेट किया, हमने आपको बहुत तंग किया लेकिन आप बिल्कुल बुरा नहीं माने। मुझे बताएं कि हम फ्यूचर में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या करते हुए देख रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वेब सीरीज़ भी हैं और काफ़ी सारे TV1 की भी प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे अभी काफ़ी सारा काम है। ठीक है, तो लिख भी रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ करने लगे उसमें? प्रोड्यूस मैं तो अभी कर ही रहा हूँ पिछले 2 साल से, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कंपनी है मेरी। ठीक, और लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। आप कर रहे होते हैं डायरेक्ट, मैंने देखा अपना शो में भी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन चल रही होती है आपकी। सही है, लेकिन आसान वाला काम पकड़ लिया उन्होंने। और रॉक स्टार के लिए भी बहुत सारी आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं कि वो जितना चले लोगों ने पसंद किया, आगे भी चले तो लोग उसको और मजीद पसंद करें। जाने से पहले अगर आप कोई बात हमारे, आप अपने फैंस को या हमारे देखने वालों को कुछ कहना चाहें तो प्लीज ऑल योर्स।
मैं जो भी आप सब देखने वाले हैं उन सब से यही कहना चाहूँगा कि आप ये जो मज़ेदार शो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत इन्जॉय किया और फैज़ान और आदि बहुत ही प्यारे और बहुत ही मज़ेदार हैं, इनके साथ बहुत मज़ा आया और ये सब देखकर और यहाँ इनके साथ गेम खेलकर। और रही बात मेरे ड्रामा जो हमारा हम सब का ड्रामा रॉकस्टार, इसे देखते रहिए, इन्जॉय करें, TV1 को इन्जॉय करें, हमारे रॉक ड्रामे रॉकस्टार को देखिए और यूट्यूब पर जाके अपना TV1 का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। दिस वॉज द मज़ेदार शो फॉर दिस वीकेंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये शो पसंद आया होगा और यकीनन आप लोग अगले हफ्ते भी ट्यून इन करेंगे हमारे साथ। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड ऑल योर्स। मज़ेदार 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 मज़े मज़े मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार।